सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान असमानी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। तो उत्तर प्रदेश में 69,000 भर्ती को लेकर तमाम पेज फंसे हुए हैं, तो वहीं अभ्यर्थी इन भर्तियों को लेकर प्रदर्शन भी कर रहे हैं और सरकार से अपनी मांग भी रख रहे हैं। वहीं कोर्ट के आदेश के बाद भी कुछ अभ्यर्थी नाखुश दिखाई दे रहे हैं। इस मुद्दे पर 69,000 भर्ती में सफल अभ्यर्थी निधि तिवारी ने प्राइम टीवी से खास बातचीत में बताया कि घोटाला ओबीसी आरक्षण का नहीं बल्कि जनरल कैटेगरी की सीटों पर हुआ है। ये रिपोर्ट 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर पेच अभी तक फंसा हुआ है और मामला बकायदा कोर्ट में भी गया था, लेकिन अभ्यर्थियों को इससे अब तक कोई राहत नहीं हो रहा है। लगातार अभ्यर्थी इसके खिलाफ प्रदर्शन में हैं, ग्राउंड स्तर पर उतर गए हैं और अपनी बात और अपनी मांगों को लेकर, अपनी जायज मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ निधि तिवारी हैं, जो 69,000 शिक्षक भर्ती में हैं, और इनसे पूछेंगे कि क्या आखिर मामला है, कोर्ट में क्या मामला लंबित है, ग्राउंड स्तर पर मामला क्या चल रहा है और प्रकाश में क्या कुछ बातें आई हैं। जी नमस्कार, मैं 69,000 शिक्षक भर्ती में एक सफल अभ्यर्थी हूँ। चूँकि आपको शायद संज्ञान में ही होगा कि 1,37,000 शिक्षा मित्रों का समायोजन किया गया था, उस समायोजन को सुप्रीम कोर्ट ने निराधार करते हुए निरस्त किया और उत्तर प्रदेश सरकार को यह निर्देशित किया कि 6 माह के अंदर 2 क्रमागत भर्ती में ये 1,37,000 पदों को सामान्य प्रक्रिया के तहत प्रतियोगी परीक्षा कराकर भरिए, जिसमें शिक्षा मित्रों को 25 अंक का भारांक देने की बात की गई और उनको ये प्रिविलेज उनके कार्य अनुभव के आधार पर देने का वादा किया सरकार ने और कोर्ट ने। और इसके बाद 2 क्रमागत भर्ती होती हैं, एक होती है 68,500। 68,500 में मैं बताना चाहती हूँ कि उस भर्ती में सिर्फ शिक्षा मित्र और डीएलएड के छात्रों ने प्रतिभाग किया था और उस भर्ती में 68,000 पदों के सापेक्ष मात्र 41,000 बच्चे ही क्वालिफाई कर पाए, जिसकी वजह से पद रिक्त रह गए उस भर्ती में। इसके बाद दूसरी भर्ती के रूप में 69,000 शिक्षक भर्ती को लाया जाता है और उसमें पहली बार 10 सालों के बाद यानी 2011 में और 2011 के बाद 2018 में शिक्षक भर्ती में बीएड को भी मौका दिया जाता है और उस मौके के बाद बीएड, बीटीसी और शिक्षा मित्र तीनों ही 69,000 शिक्षक भर्ती में प्रतिभाग करते हैं और इसके बाद परीक्षा होती है, लेकिन उसका कटाव इन्होंने पहले निर्धारित नहीं किया। परीक्षा का कटाव निर्धारित नहीं किया गया, पहले परीक्षा होने के 2 दिन उपरांत कटाव निर्धारित किया गया और इसके बाद ये मामला कोर्ट तक पहुंचा। परंतु चूंकि नियोक्ता को यह हक होता है कि वो अपने सहूलियत के हिसाब से नियम बना भी सकता है, तो उस जगह उनको रियायत दिया कोर्ट ने और उनके द्वारा निर्धारित किया गया कटाव जो कि 90 आरक्षित वर्ग के लिए और 97 अनारक्षित वर्ग के लिए निर्धारित किया गया। और इसके बाद में यह भर्ती संपन्न होती है, इसके बाद जब रिजल्ट आता है तो रिजल्ट में 1,37,000 बच्चे क्वालिफाई करते हैं। इसके बाद में 1,33,000 बच्चों ने जिला आवंटन सूची को भरा। इस मुद्दे के बाद में जब इन्होंने लिस्ट जारी की सिलेक्टेड बच्चों की, तो उसमें इन्होंने बहुत तरीके की अनियमितताएँ की। मैं एक चीज़ और संज्ञान में लाना चाहती हूँ कि यह जब परीक्षा होती है तो इस परीक्षा का पेपर भी आउट होता है, पूरा पूरा कॉलेज बुक किया जाता है, जिसका भी हाल ही में 2 दिन पहले एक अभियुक्त जिसका मायापति दुबे नाम था उसको अभी जेल भेजा गया है। आप सबको शायद संज्ञान में भी होगा इस भर्ती का। तो इस तरीके की प्रश्न चिन्ह लगी हुई भर्ती, इसको किसी भी तरीके से एएनकेएन प्रकरण अधिकारी और सरकार कंप्लीट करती है और उसमें गलत तरीके से जो चयन सूची है वो बनाती है। चूँकि अभी तक ये मामला चल ही रहा है ग्राउंड लेवल पर, हम लोगों ने अपने हक के लिए, चूंकि 1,37,000 पदों में बहुत सारे पद अभी भी खाली थे, हमने उन चीज़ों का हवाला देते हुए ये बोला कि योगी जी ने एबीपी गंगा में कहा था कि उत्तर प्रदेश में बहुत सारी वैकेंसी हैं लेकिन यहाँ योग्य शिक्षक नहीं है जो आए कंपटीशन बीट करें और अपनी योग्यता साबित करें। क्योंकि 68,500 में इन्हें योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले थे, लेकिन जब बीएड ने पार्टिसिपेट किया तो पद के सापेक्ष में बच्चे ज़्यादा क्वालिफाई किए और इनके पास ऑलरेडी 1,37,000 जो भोला प्रसाद का ऑर्डर था उसमें वैकेंसी खाली थी, लेकिन इन्होंने उन वैकेंसियों को यहाँ ऐड करके मैक्सिमम बच्चे यानी जो पास है वो खास है कि प्रक्रिया के तहत एक विशेष परिस्थिति में उन पदों को नहीं जोड़ा। और इसके बाद जो लिस्ट भी जारी की उसमें भी अनेक प्रकार की अनियमितताएँ बरती गई, जिसके चलते जो पिछड़ा वर्ग आयोग है उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की और ये कहा कि जो आरक्षण के बच्चे हैं, आरक्षण के बच्चों का घोटाला हुआ है सीटों का और उस मुद्दे को जबरदस्ती का तूल दिया गया और उस मुद्दे को पूरी तरीके से जो विपक्ष की पार्टियां हैं उनके द्वारा राजनीतिकरण करके उसको
हूल दिया गया और हूल देने के बाद में उस मुद्दे को और गरमाया गया राजनीति के साथ साथ, क्योंकि तात्कालिक समय में विधानसभा चुनाव लगे हुए थे और वहाँ एक नई विधा ने जन्म लिया जिसको 20 बनाम 80 बोला गया, मतलब 20% सवर्ण और 80% OBC और ST लोग। तो इस तरीके का एक गलत तरीके के मैसेज को लेकर के राजनीतिक दबाव बनाया गया और उस दबाव में आ करके उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारी और उत्तर प्रदेश सरकार ने गलत तरीके से 6800 बच्चों को एक नई ओबीसी एससी की बच्चों की लिस्ट बना दी और उनको भी उसका पात्र, योग्य पात्र बना दिया। इसके बाद चुनाव आ गए और उस मामले को वहीं रोक दिया गया और ये मामला कोर्ट में पहुंचा, क्योंकि 69,000 की शिक्षक भर्ती उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी अधिकारियों के पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट हो चुकी थी। अगर वो भर्ती कंप्लीट हो चुकी है तो एक वर्ग विशेष के लिए आप 6800 अतिरिक्त पद कैसे दे सकते हैं? इस चीज को हमारे जनरल के बच्चों ने चैलेंज किया और ये मामला हाई कोर्ट पहुंचा। और जब ये हाई कोर्ट पहुंचा तो केवल हमारे जनरल के बच्चों ने इसे चैलेंज नहीं किया, मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहती हूँ, आरक्षण के बच्चों का ये कहना था कि उनका 21-27 पूरा नहीं हुआ है, उन्हें मात्र 2% और 3% आरक्षण अभी मिला है और उनका अभी 21-27 बकाया है और वो 20,000 सीटों का आरोप लगा रहे थे घोटाले का सरकार के ऊपर। अगर 20,000 बच्चे एक चयन प्रक्रिया में जनरल कैटेगरी की नियुक्ति ही नहीं पाए हैं तो 20,000 का घोटाला कैसे हुआ? दूसरी चीज, जब अभी कोर्ट का ऑर्डर आया इसी 6800 के मुद्दे पर, तो कोर्ट ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो 6800 की लिस्ट है, पहली चीज तो ये गलत तरीके से आई है तो उसको उन्होंने नदारद कर दिया, कैंसिल कर दिया। दूसरी चीज़, उन्होंने कहा कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती में जितने भी चयनित कैंडिडेट हैं उसकी पूरी लिस्ट को रिविजिट किया जाए और करके उसको कोर्ट के सामने पेश किया जाए। सरकार ने जिस तरीके से नियमावली बताई, सरकार ने स्पष्ट रूप से, कोर्ट ने बोला है सरकार को कि जो 97 यानी कि जो जनरल का कट ऑफ क्वालिफाई करने वाले बच्चे हैं ओबीसी और एससी के, यानी जो अनारक्षित पदों का जो कट ऑफ है उसमें अगर कोई भी आरक्षित वर्ग का कैंडिडेट क्वालिफाई है तो उसको उसने कंसीडर करते हुए उसकी मेरिट बनाई जाए, जो वास्तव में तर्कसंगत है और बनाई जानी चाहिए, मेरा अपना भी मानना है, तो उस आधार पर मेरिट बना करके जो बच्चे 97+ नंबर लाए हैं उनको जनरल में कंसीडर करते हुए मेरिट बनाई जाए, अगर वो जनरल की मेरिट में बीट करते हैं तो उनको जनरल में भी सीट दी जाए। और जो ओवरलैपिंग और जिस भी तरीके से इन्होंने अपने रूल्स के आधार पर जो भी किया है, बहुत घोटाला किया है, क्योंकि आपके संज्ञान में मैं बताना चाहती हूँ कि 84,000+ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने जनरल का कट ऑफ क्वालिफाई ही नहीं किया है, मात्र 12,000 से 14,000 बच्चे ऐसे हैं ओबीसी एससी एसटी के जिन्होंने जनरल का कट ऑफ क्वालिफाई किया है लेकिन मेरिट बीट की है ये कन्फर्म नहीं है। तो अगर उनकी मेरिट बनाई जाएगी उन बच्चों की, जिस तरीके से कोर्ट का ऑर्डर है कि 97+ वालों को जनरल में कंसीडर करते हुए लिस्ट बनाई जाए, तो अब इस चीज़ को आरक्षण के बच्चे फिर से हूल दे रहे हैं और इसको फिर से आरक्षण घोटाले के नाम पर जबरदस्ती की जातिगत राजनीति में उतारू हैं, जो कुछ विपक्षी राजनेताओं के द्वारा, कुछ विपक्षी पार्टियों के द्वारा पोषित हैं और उनका एक ही मात्र उद्देश्य है कि चूंकि पहले विधानसभा चुनाव था जब ये मुद्दा आया और अभी आने वाले टाइम पे लोकसभा चुनाव लगा हुआ है, तो राजनीतिकरण कर रहे हैं आरक्षण घोटाले का। आप ये कह रहे हैं कि मतलब आरक्षण घोटाला इस भर्ती में नहीं हुआ है? बिल्कुल, मैं आपको बता रही हूँ कि जिस तरीके से कोर्ट का ऑर्डर आया है उस ऑर्डर को ये क्यों नहीं मान रहे हैं। अब तो पूरी लिस्ट रिविजिट करने की बात हो रही लेकिन आरक्षण के बच्चे इसको मानने को तैयार नहीं। उसका रीजन सबसे बड़ा ये है, ऊपर से कह रहे हैं हम दलित हैं, हम पिछड़े हैं, हम शूद्र हैं। पहली चीज, शूद्र की अवधारणा लेकर के इस समय बहुत बड़े राजनीतिकरण हो रहा है, आप देख ही रहे, कभी केशव प्रसाद मौर्य जी, कभी अखिलेश जी, ये लोग अपने आप को शूद्र बोल रहे हैं। पहली चीज मैं बताऊं, शूद्र उस समय की परिवेश की परिस्थिति थी जबकि लोग कर्म आधारित समाज में जीते थे, यानी एक शूद्र का बच्चा भी ब्राह्मण हो सकता था, एक ब्राह्मण का बच्चा भी शूद्र हो सकता था, ये उस समय का परिवेश था और उस चीज को आज की तत्कालिक परिवेश में आप नहीं जोड़ सकते, क्योंकि आज जन्म आधारित व्यवस्था चल रही, जाति आधारित व्यवस्था चल रही, वर्ण आधारित नहीं चल रही है। तो पहली चीज, शूद्र जैसी कोई भी अवधारणा वर्तमान समय में देश में नहीं है। दूसरी चीज, जिस तरीके से कह रहे हैं हम दबे, हम कुचले, हम पिछड़े, मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमारे देश का प्रधानमंत्री ओबीसी समाज से आता है, हमारे देश का प्रधानमंत्री ओबीसी समाज से आता है। अभी पूर्व में रहे रामनाथ कोविंद जी, हमारे देश के जो प्रथम राष्ट्रपति थे, मतलब देश के प्रथम नागरिक थे राष्ट्रपति जी, तो वो भी एससी समाज से आते थे। और अभी उसके बाद जो मैडम आई हैं राष्ट्रपति जी, प्रथम नागरिक के रूप में हमारे देश की, वो एसटी समाज से आती हैं। तो जब एसटी समाज का व्यक्ति राष्ट्रपति बना हुआ है, एससी समाज का व्यक्ति राष्ट्रपति बना, इसके बाद आपका प्रधानमंत्री दो बार से लगातार ओबीसी समाज से बन के आ रहा है, चयनित हो रहा है, तो फिर यहाँ किस तरीके का भेदभाव है भाई? आपके समाज में एक सबसे अच्छी लोकतंत्र की खूबसूरती ये है कि जो व्यक्ति आगे आएगा, आगे संघर्ष करेगा, जो व्यक्ति अपने आप को बेटर दूसरों से साबित करेगा, उसको मौका दिया जाता है देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए, देश का राष्ट्रपति बनने के लिए। तो जब हमारे देश का व्यक्ति राष्ट्रपति बन रहा है एसटी संप्रदाय से, एससी संप्रदाय से, हमारे देश के प्रधानमंत्री ओबीसी संप्रदाय से आ रहे हैं, तो भाई किसके साथ में गलत हो रहा है?
पहली चीज़ तो जो इस तरीके की जातिगत राजनीति की जा रही है और उनको नौकरियों से जोड़ करके जो इस तरीके की राजनीति की जा रही है वो सरासर निंदनीय है। पहली चीज़, देश में लोकतंत्र है और सबका समान रूप से अधिकार है। अगर आप अपने लिए जो चाहते हो वैसे ही दूसरे समाज के लोग भी चाहते हैं। अगर आपके लिए हम कह रहे हैं कि 97+ वाले जितने भी बच्चे हैं इस भर्ती में उन सबको सामान्य कैटेगरी में कंसीडर करते हुए उनकी मेरिट बननी चाहिए, मैं खुद कह रही हूँ आपके चैनल के माध्यम से और मुझे इसमें कोई गुरेज नहीं है। अगर मेरा उसमें नंबर आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो भी ठीक है, इट्स ओके, मैं फाइन। तो इन लोगों को क्यों इस चीज़ से आपत्ति है, ये क्यों वेट नहीं कर रहे हैं लिस्ट का, ये क्यों जबरदस्ती के धरना करके 20 बनाम 80 का दबाव बना रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हमारी जनसंख्या ज़्यादा है, हम दबाव, इसी दबाव के चलते गलत तरीके से मेरिट आई, ये गलत तरीके से लिस्ट जारी हुई। अगर ये दबाव नहीं बनाया गया होता तो ये 6800 की लिस्ट कभी नहीं आती, क्योंकि ये तो सरासर निराधार है। एक्चुअल मायने में जब ये लिस्ट बनेगी जो रिविजिट करने के लिए उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट ने बोला है, इसका अगर इंतजार करते हैं और इसकी रिविजिट करते हैं सही तरीके से, तो मैं आपको स्पष्ट बता रही हूँ कम से कम 6000 सीटों का जनरल की कैटेगरी में यानी यूआर की सीटों का घोटाला निकल के आएगा, जो इन अधिकारियों के हीला हवाले और गलत तरीके की नीतियों के कारण इसमें हुआ। और जो आरटीई का बार बार नाम लेते हैं हमारे विपक्षी लोग जो आरक्षण घोटाले की बात करते हैं, तो मैं उनको भी बताना चाहती हूँ कि जो आप नियमावली सूची की बात करते हो तो उस नियमावली में स्पष्ट रूप से यह भी लिखा है कि जनरल और ओबीसी का कट ऑफ सेम होगा। आपने इस चीज़ को कभी समाज के सामने क्यों नहीं रखा कि 97 पास होने वाला बच्चा ही ओबीसी में क्वालिफाइड माना जाएगा, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारी इतने हीला हवाली करने वाले लोग हैं, गलत तरीके से नियमों को लागू करने वाले लोग हैं, जिसकी वजह से भर्तियां फंसती हैं और भर्ती का भरता बनता है। तो यहाँ पूरी गलती अधिकारियों की है, जनरल और ओबीसी का सेम कट ऑफ होना चाहिए था, इन्होंने वो नहीं रखा, सारे ही आरक्षित वर्ग के बच्चों को एक कट ऑफ में रख दिया जो गलत था, क्योंकि एसटी के बराबर आप ओबीसी को नहीं तोल सकते। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है ओबीसी समाज की है और ओबीसी समाज काफ़ी उठ चुका है, इसीलिए उसका कट ऑफ में भी जिक्र, अभी पिछली वैकेंसी जो 68500 हुई थी उसमें भी जनरल और ओबीसी का सेम कट ऑफ था, लेकिन इस वैकेंसी में अधिकारियों ने गलत तरीके से नियमावली को गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया, जिसकी वजह से यहाँ बच्चे ज़्यादा संख्या में क्वालिफाई हुए, घूम की स्थिति आई और इसके बाद अधिकारियों ने अपनी हीला हवाली करके जिस तरीके से अनैतिकता फैलानी थी फैलाई और गलत तरीके से लिस्टें बनाई और गलत तरीके से लोगों को चयनित कराया। चयनित होने वाले व्यक्ति का कोई दोष नहीं है, लेकिन ये लिस्ट जारी करने वालों का दोष है, इन अधिकारियों का दोष है जिन्होंने गलत तरीके से पूरी भर्ती को भर्ता किया है। इन पे कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई के साथ साथ आगे की भर्तियों के लिए नज़ीर बनना चाहिए कि जो नियमावली हो स्पष्ट हो, स्वच्छ हो और हर चीज़ को सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए। और इस बेरोजगारी में 69000 शिक्षक भर्ती में जो भी बच्चे पास है वो सारे बच्चे खास है, मेरा अपना फिर एक बार कहना है, हम तो सबकी वकालत कर रहे हैं, हम तो सर्वजन सुखाय और सर्वजन हिताय की बात कर रहे हैं कि 137000 के बचे हुए जितने भी रिक्त पद हैं अगर ये रायता सरकार को समेटना है, अधिकारियों को समेटना है, अपनी गलती सुधारनी है, तो 137000 के पदों को जोड़ करके ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को नियुक्ति दी जाए। बाकी इसमें आरक्षण घोटाला किसी भी तरीके से नहीं हुआ है, और अगर आरक्षण घोटाला हुआ है तो रिविजिट करने के लिए इन बच्चों को जब इन्होंने इतने दिन तक इंतजार किया है 6800 वालों ने, तो आगे भी करना चाहिए था कि चलिए ये लिस्ट आती इसके बाद हम देखते हैं क्या गलत है क्या सही है। जब आपको हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि रिविजिट करो पूरी लिस्ट को, तो सरकार भी एग्री है रिविजिट करने के लिए, अधिकारी भी एग्री है, तो आप एग्री क्यों नहीं हैं? आप बार बार आरक्षण घोटाले के नाम पर सिंपैथी कार्ड या मर्सी कार्ड क्यों खेल रहे हैं? जो सत्य है उस पर आप अटल रहिए, जो होगा सबके सामने आएगा। बाकी जिस तरीके की आगे अपडेट होगी आपको हम सूचित करेंगे आपके यहाँ से। तो ये थे निधि तिवारी जो एक सफल अभ्यर्थी है 69000 में, और उनका साफ तौर पर कहना है कि जो इस भर्ती में आरक्षण घोटाले की बात कही गई है वो सरासर गलत है। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ मैं विवेक शाही, प्राइम टीवी लखनऊ। 69 लखनऊ में राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने पर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। बता दें कि 4 साल पुराने मानहानि के मामले में सूरत की कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई है, जिसके कुछ मिनट बाद ही उनको जमानत भी मिल गई। तो वहीं राहुल गांधी की आज संसद की सदस्यता रद्द की गई है। बता दें कि राहुल गांधी केरल के वायनाड से सांसद थे। इस मुद्दे पर आज लखनऊ में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया है। लोकतंत्र पे खतरा है, ये आप सबको समझना चाहिए। भारत के संविधान, भारत के लोकतंत्र पे खतरा है। देश की ये जो सरकार है, जो मोदी और योगी की सरकार है, लखनऊ और दिल्ली की जो सरकार है वो एकदम तानाशाही की सरकार है। हम देश के लोगों को एकजुट होकर लड़ना होगा, बहुत ही खतरे का समय, हम सबको ये समझना होगा। युवाओं, महिलाओं, बुजुर्गों, सबको जागना होगा।
देखिए हम लोग बहुत शांतिपूर्ण तरीके से महात्मा गांधी की प्रतिमा पर जाकर राम धुन गाते हुए अपना विरोध प्रदर्शन करना चाहते थे, लेकिन इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया को भी ये अपनाने नहीं दे रही है। यह अलोकतांत्रिक सरकार नरेंद्र मोदी और योगी की जो अलोकतांत्रिक सरकार है उसको हम ये दिखला देना चाहते हैं कि राहुल गांधी जी अकेले नहीं है, उनके साथ पूरी हिंदुस्तान की कांग्रेस खड़ी है। अगर राहुल जी पर आ जाएगी तो पूरे हिंदुस्तान के एक एक कांग्रेसी उनके साथ खड़ा हुआ है। क्या हो रहा है इस देश में? क्या इस देश में लोकतंत्र की हत्या नरेंद्र मोदी ने कर दी है? अब ये तय करना पड़ा। मैं आपको मीडिया के माध्यम से बता, फैसला तो सूरत हाईकोर्ट का आया था, फैसला सरकार का नहीं, सूरत हाईकोर्ट का है। हम लोग हाईकोर्ट का, माननीय उच्च न्यायालय का हम लोग सम्मान करते हैं, लेकिन लेकिन जिस तरह की महंगाई बेरोजगारी और महंगाई बेरोजगारी और बढ़ती हुई गुंडागिरी के खिलाफ हम लोग राहुल जी के समर्थन में कौन सरकार क्यों घबराई है? सरकार घबराई क्यों है? क्यों घबराई है? एक गुंडागर्दी है, तानाशाही है, सदस्यता समाप्त नहीं की गई है, लोकतंत्र की हत्या है, लोकतंत्र की हत्या है। सावरकर के औलादों से जाके कह दो जेल खाली नहीं छोड़ेंगे, जेल भर देंगे इस मुल्क की। हम गांधी के मानने वाले लोग हैं। इस देश की सड़कों पर अगर राहुल गांधी के खिलाफ कुछ हुआ तो इंकलाब आएगा। मोदी सरनेम पर सूरत हाईकोर्ट के दिए गए फैसले के बाद राहुल गांधी को सजा हो गई है और उनकी सदस्यता भी लोकसभा की अब अयोग्य घोषित हो गई है। ऐसे में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में राजभवन चौराहे पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बिजलाल खाबरी के नेतृत्व में बाकायदा प्रदर्शन किया जा रहा है और राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता और प्रदेश अध्यक्ष लगातार भारतीय जनता पार्टी को यहां पे मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं, मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि वो दिखाएं किस प्रकार से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में रोष है इस फैसले के खिलाफ, राहुल गांधी की जो सदस्यता है उसको जाने के खिलाफ ये लगातार प्रदर्शन हो रहा है और राजभवन चौराहे पर कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में लगातार विरोध प्रदर्शन पर उतरे हुए हैं। आप सीधे तौर पर देख सकते हैं कि उनके कार्यकर्ता लगातार कांग्रेस का झंडा लहरा रहे हैं और राहुल गांधी जिंदाबाद के लगातार नारे लगा रहे हैं। इस फैसले आने के बाद से देश की राजनीति में सरगर्मियां तेज हो गई हैं और लगातार प्रदेश के हर जिले में, देश भर में जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं लगातार राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को राहुल गांधी शेर के नारे लगा रहे हैं। आप सुन सकते हैं, राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाते हैं और भारतीय जनता पार्टी को अंबानी हिडनबर्ग के मामले पर भी बोलते नजर आ रहे हैं। हम आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पे नारेबाजी की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ मैं विवेक शाही, प्राइम टीवी लखनऊ। कांग्रेस के अध्यक्ष बिजलाल खाबरी जी जुड़े हैं। आज जो है आप प्रदर्शन कर रहे थे, शांतिपूर्वक एक मार्च आपने निकाला था। आंदोलन नहीं था, हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के पार्क में बैठ करके अपने लोगों से मंत्रणा करने जा रहे थे कि आज जो पार्लियामेंट में राहुल जी की सदस्यता पे जो निर्णय लिया है ये साजिशन है, ये लोकतंत्र की हत्या है। इस बात को लेकर के हम अपनी आवाज बुलंद करने जा रहे थे, लेकिन उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने सिपाहियों को लगा करके हमारे सिपाहियों के साथ दुर्व्यवहार किया, यहाँ तक कि मेरे साथ भी दुर्व्यवहार किया, मेरे गलेबान को दबाया। ये लोकतंत्र की हत्या है। ये बताइए, कल सूरत हाईकोर्ट का फैसला आया था, आज फैसला है कि सदस्यता राहुल गांधी की चली गई है। वो कोर्ट का मामला था, कोर्ट का मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन आज अगली साजिश हुई है कि पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंट में सदस्यता खत्म की गई, ये और बड़ा आरोप है सरकार के ऊपर। इसके बाद आपका क्या अगला प्लान होगा, कांग्रेस क्या कुछ करेगी? कांग्रेस अपने प्लान के साथ आज खड़ी है, कल का प्लान हम तय करेंगे तब आगे बताएंगे। तो ये थे हमारे साथ बिजलाल खाबरी जी, जिन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि लोकतंत्र की हत्या प्रदेश सरकार कर रही है। उनके भी गिरेबान पे हाथ रखा गया है, वो शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन कर रहे थे लेकिन उनको प्रशासन के द्वारा राजभवन चौराहे पे ही रोक दिया गया है। जीपीओ पे उनको प्रदर्शन करने जाना था, शांतिपूर्वक एक मार्च निकाला था लेकिन उसके पहले ही उनको रोक दिया गया है और उसके बाद सूरत हाईकोर्ट के फैसले को
अलोकतांत्रिक बताते हुए अभिलाष खारवे ने कहा कि आगे की प्रक्रिया हम तय करेंगे कि किस प्रकार से आगे हमको इस चीज पे देखना है। लगातार जो है कांग्रेस कार्यकर्ताओं को वैन में भर के यहाँ से भेजा जा रहा है, आपको हम तस्वीरें भी दिखा सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ में विवेक शाही, प्राइम टीवी, लखनऊ। तो राहुल गांधी की आज जब सदस्यता रद्द हुई तो लगातार प्रदर्शन देखने को मिला, तो वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बिजलाल खाबरी ने साफ तौर पर कहा कि आगे की रणनीति जल्द ही बता दी जाएगी कि आखिर अब अगला रुख कांग्रेस का क्या होगा। हमारी आज की इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप